हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री कक्षा में। सो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री के कुछ लिगेंड्स की, जिनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम नहीं होता है। यानी कि कभी अगर टर्मिनल पे अगर वो जुड़े हुए हैं तो कंट्रीब्यूशन अलग होता है और ब्रिजिंग पोजिशन पे अलग होता है, और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। चलिए, कल हमने जो जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें जो हमने बात की थी कि जो हमारा NO होता है नाइट्रोसिल होता है, उसके दो तरह के वो होते हैं। नाइट्रोसिल अगर हमें लीनियर है, लीनियर दिया हुआ है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और उसका जो फॉर्मल चार्ज होता है वो कितना होता है, वो +1 होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कि NO जो है अगर बैंड फॉर्म में दिया हुआ है तो NO जो बैंड होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और उसका फॉर्मल चार्ज कितना होता है, फॉर्मल चार्ज -1 होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर NO लीनियर जो है या नाइट्रोसिल जो लीनियर है वो सिंपल दिया हुआ है, आपको नहीं बताया गया है कि बैंड है या लीनियर है, तो आपको उसको लीनियर ही कंसीडर करना है। इसके अलावा आपको देखना होगा कि या तो आपको बताएंगे कि बैंड या लीनियर नहीं दिया हुआ है और आपसे पूछा है, आपको बता दिया जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, या इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 18 है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कंसिडर करना होगा कि लीनियर आना है या फिर बैंड इसमें आना है। ठीक है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको सिंपल NO दिया हुआ तो आपको सबसे पहले जो कंसिडर करना होगा वो करना होगा कि वो लीनियर है। ठीक है, तो सिंपल अगर दिया हुआ है तो लीनियर है, वरना बैंड को आपको बताएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और लिगेंड्स की, जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज होता है, कैसे चेंज होगा, अगर हम बात करें क्लोरीन की। ठीक है, तो जो हैलोजन्स होते हैं वो सिंपल अगर फॉर्म में दिए हुए हैं कि हैलोजन अगर मेटल से ऐसे जुड़ा हुआ है कि MCl अगर जुड़ा हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सेकेंड की, अगर ये मेटल के साथ इस तरह से जुड़ा है, यानी कि MuCl, अगर हम बात करें अगर यहाँ पर हम लिखें कि अगर मेटल के साथ हैलोजन की हम बात कर रहे हैं कि मेटल के साथ अगर इस तरह से है तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये दूसरा अगर दिया हुआ म्यू सीएल का मतलब क्या होता है कि जो सीएल है वो दो लिगेंड के साथ ब्रिजिंग पोजीशन है। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रिज। ठीक है, ब्रिज पोजीशन पे है सीएल, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, देखिए एक मेटल से तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके जुड़ा हुआ है, जैसे पहले यहाँ पर जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी अगर ये दो दूसरे मेटल से जुड़ेगा तो ये कितने और देगा, 2 लिगेंड और देगा, तो ब्रिजिंग पोजीशन पे ये करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और टर्मिनल भी करेगा, ये टर्मिनल का करेगा ये 1, और ब्रिज पे कितना करेगा, 3 करेगा। इसी के साथ अगर ये म्यू जो दिया हुआ हो, अगर ये दिया हुआ एम सी एल एम और एफ, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे करेगा, देखिए सिंबल हमने देखा था कि सिंबल अगर जुड़ा हुआ टर्मिनल पे तो वो कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन करता है, उसके बाद फिर ये एक और लिगेंड से जुड़ जाता है, मेटल से जुड़ता है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद इसमें होंगे ये यहाँ तीसरे मेटल को देगा, तो यहाँ भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये था हैलोजन के केस में। तो हैलोजन के केस में हम सिंपली बोल सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे हम, सिंपली लिखेंगे कि जो हैलोजन के केस में या सीएल है वो क्या करता है, अगर टर्मिनल पे है, टर्मिनल पे वो कितने इलेक्ट्रॉन करता था, 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और न्यू सीएल अगर होगा ब्रिजिंग पर, ब्रिज पोजिशन पे अगर होगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा अगर न्यू टू सीएल होगा,
यानी कि थ्री मेटल इसमें होंगे, इसमें टू मेटल है और थ्री मेटल के साथ अगर होगा तो वो कितने करेगा, वो फाइव इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ये आपको याद रखना है, जब भी आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाले तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो इसमें अगर ट्राई वैलेंसी की बात करें, अगर नाइट्रोजन का ये NH3 या NR3, ठीक है, ये अगर है NR3, कोई भी R ग्रुप लगा हुआ इसके साथ, PR3 उसके साथ R3, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ट्राई वैलेंसी की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो फैमिली के है वो ट्राई वैलेंसी में वो क्या करेंगे। उससे पहले आपको एक और चीज बता दें कि ये जो है न्यूट्रल फॉर्म है, ठीक है, तो न्यूट्रल फॉर्म में जो होंगे लिगेंड वो क्या करेंगे, ये इनकी कौन सी फॉर्म है, इनमें ना तो प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, तो न्यूट्रल फॉर्म है। न्यूट्रल फॉर्म में जो लिगेंड होंगे वो टर्मिनल एंड ब्रिज, दोनों पोजीशन पे सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सेम होगा, मतलब इनके पास दो तो लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे कि ये टर्मिनल जो होंगे, टर्मिनल एंड ब्रिज दोनों पोजीशन पे कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, टू इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे भी और ब्रिज पोजीशन पे भी ये कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ये टू ही इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसी में अगर हम बात करें, ये हो गया, उसके बाद अगर बात करें, देखिए जैसे हम अमोनिया का करते हैं कि ये NH3 है, इसमें वन इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन विमूव हो जाए तो ये क्या बन जाता है, NH, ठीक है, ये वाला ग्रुप बन जाता है। इसी तरह से अगर हम इनके एल्कीन सब्स्टिट्यूएंट को लें तो यहाँ पर हम क्या करें, ट्राई वैलेंसी से ट्राई वैलेंसी में अगर ये आ जाए, देखिए अगर ये इस तरह से NR2 नेगेटिव, ये अमीनो ग्रुप हो, अमीनो लिगेंड फॉस्फिडो, फॉस्फिडो इसके बाद अगर बात करें आर्सेनिलो, इसके अलावा नेगेटिव, ये वाले ग्रुप्स अगर हैं तो इन वाले ग्रुप्स में क्या होगा कि टर्मिनल पोजीशन और ब्रिजिंग पोजीशन में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम नहीं होगा। वो कैसे होगा तो देखिए अगर इनकी बात करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो टर्मिनल और ब्रिज की बात करें तो ये टर्मिनल पे कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, वन इलेक्ट्रॉन, ये भी टर्मिनल पे वन इलेक्ट्रॉन और टर्मिनल पे ये भी कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रिजिंग पोजीशन होंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करने लगेंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखिए मेटल से जुड़ा हुआ है अगर NR2, ठीक है, अगर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये वन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पर कितना आता है, वन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट। बट अगर ये लिखेंगे अगर ब्रिजिंग में जुड़ा हुआ है M, यानी कि ये जुड़ा हुआ है R2 और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है इस तरह से दूसरे मेटल से ब्रिजिंग पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो यहाँ 1 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इसी तरह से ये सभी करेंगे तो इसमें हम लिख लेंगे, सिंपल अगर समराइज करें इसको तो इसको लिख सकते हैं हम
उसमें जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे वो टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे टर्मिनल में भी और डेसाइड में भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें एनआर थ्री इसके साथ ही पीआर टू तो ये टर्मिनल एंड प्लीज है दोनों पोजीशन पे कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है बोल। अगर हम बात करें डाइवेलेंसी एनआर टू अमीडो फॉस्फीडो आर्सीनिडो अगर ये सब है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे ये करेंगे टर्मिनल पे तो करेंगे वन इलेक्ट्रॉन और ब्रिजिंग पोजीशन में करेंगे थ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इनका हो गया। अब इनके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली की जो कि इम्पोर्टेंट है ये लीगर एक साथ बता दिए हैं तो इससे क्या होगा कि आपको जब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा नाइट्रोजन फैमिली से है अच्छा ट्राइवेलेंसी में है तो तीन इलेक्ट्रॉन करेगा सॉरी अगर ट्राइवेलेंसी में है तो टर्मिनल और ब्रिजिंग दोनों पोजीशन पे क्या करेगा दो ही इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा लेकिन जैसे ही ये ट्राइवेलेंसी में आ गया तो टर्मिनल भी कितना करेगा एक करेगा और ब्रिजिंग पोजीशन पे तीन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करें ऑक्सीजन फैमिली की तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या होगा अगर ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन की जो ट्राइवेलेंसी यानी कि न्यूट्रल फॉर्म की बात करें तो न्यूट्रल फॉर्म में ये जो करेंगे कंट्रीब्यूट ये दो ही इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट तो न्यूट्रल फॉर्म में ये क्या करेंगे टू इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे बोथ टर्मिनल एंड ब्रिज है, ठीक है। टर्मिनल और ब्रिज है दोनों पोजीशन पे कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे टू इलेक्ट्रॉन ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन जैसे ही इनकी न्यूट्रल फॉर्म से या निक फॉर्म में आ जाएंगे नेगेटिव फॉर्म में याद रहेंगे अगर हम बात करें ओ आर टू नेगेटिव ओ आर नेगेटिव एस आर नेगेटिव तो ये जो लिगेंड्स हैं वो टर्मिनल पे जो करेंगे टर्मिनल पे तो करेंगे वन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट जबकि ब्रिजिंग जो पोजीशन होगी उस पर कितने करेंगे थ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे कितने करेंगे थ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी आपको देखना है जैसे कि अगर हम ये है अगर ये सिंपल मेटल से जुड़ा हुआ है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ये वन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा लेकिन अगर ये मेटल से इस तरह से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये दो यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन तो टोटल ये थ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इस तरह से ये होगा तो ये लिगेंड्स आपको याद रखने काफी इम्पोर्टेंट है जब भी आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो जो लिगेंड्स की इसके बारे में बात करें एन एस आई ठीक है तो ये कितना करेगा ये थ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट आपको क्या करना है इसी के साथ अगर बात करें देखिए सी एच फोर है अगर इसकी वन नाइट्रोजन हम माइनस कर दें तो ये बनेगा सी एच थ्री नेगेटिव, ठीक है। तो ये कितना बनेगा ये वन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टर्मिनल पे भी और ब्रिजिंग पे भी, ठीक है। इसी तरह से जितने जितने हाइड्रोजन निकालते चले जाएंगे उतने उतने ही करेगा लेकिन सेम करेगा टर्मिनल पे भी और ब्रिजिंग पे भी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि सी एच फोर हो गया इसमें से वन निकाल दिया तो ये हो गया सी एच थ्री नेगेटिव तो ये वन इलेक्ट्रॉन टर्मिनल एंड ब्रिज साइड बोथ, ठीक है दोनों पे करेंगे वन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू अगर सी एच थ्री है नेगेटिव पर हाइड्रोजन और इसका निकल जाए ये हो जाएगा सी एच टू टू नेगेटिव तो ये टू इलेक्ट्रॉन करेंगे टर्मिनल एंड इसी तरह से सोलन करते चले जाएंगे नेगेटिव है और हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बचेगा सी एस थ्री नेगेटिव तो थ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टर्मिनल और ब्रिजिंग पे, ठीक है। तो आपने देखा होगा सी एस थ्री का टर्मिनल और ब्रिजिंग पे एक ही इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसी तरह से सी एस टू टू नेगेटिव है तो दो इलेक्ट्रॉन भरेगा ये इसी तरह से करते हैं।
तो ये कुछ इवेंट थे जो इंपॉर्टेंट थे टोटली इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड किस फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, सो दैट कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, इसके साथ ही हम जितने भी लिगेंड्स थे, कॉमन जो लिगेंड्स थे जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था कि बेसिक पोजीशन पे क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन पे क्या होगा और जो न्यूट्रल फॉर्म में होंगे तब क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो हम जो हमारी प्रॉब्लम्स बची हुई है 18 इलेक्ट्रॉन स्कूल की, तो वो सभी प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आई होप इट विल हेल्प यू।